हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आज के वीडियो में। हम बात करने वाले हैं गाइस कि आप अपने फ़ोन में अपनी कॉल सेटिंग कैसे कर सकते हैं। तो ये वीडियो में सिंपल स्टेप है, आपको उन्हें फॉलो करके आप अपने फ़ोन में अपनी कॉल सेटिंग कर सकते हैं। तो अगर वीडियो की जानकारी के लिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने के लिए गाइस सबसे पहले हमें अपने फ़ोन में अपनी डायल पैड में जाना। डायल पैड में जाने के बाद गाइस आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको थ्री बिल्डिंग का ऑप्शन देखने को मिला था। तो यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन देखने को मिला था, जैसे कि कॉल स्टोरी है, सेटिंग, हेल्प एंड फेसबुक। तो गाइस हमें अपनी कॉल सेटिंग करनी है, तो उसके लिए हम सेटिंग पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिला था। सबसे पहला गाइस हमारा ऑप्शन आ रहा है कॉलिंग आईडी एंड स्टेंस, तो हमें उस पर क्लिक कर देना और इन ऑप्शनों को आपको दोनों को ऑन कर देना। ऑन करने के बाद गाइस बेक आ जाते हैं। बेक आने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है ब्लॉक्स नंबर, तो हमें उस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर अननोन नंबर के ऑप्शन को जब ऑन कर देंगे तो गाइस इससे क्या होता है, जैसे कि आपके फ़ोन में जो कॉन्टैक्ट सेफ नहीं होते हैं वो नंबर आपके ब्लॉक हो जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इस नंबर की कॉल आपके पास ज़्यादा आती है, आप परेशान हो जाते हैं, तो अगर उसका नंबर आपको ब्लॉक करना है तो उसके लिए आपको ऐड ए नंबर पर क्लिक करना है। उसका नंबर क्लिक करके यहाँ पर उसका नंबर डाल देना है, जो भी आपको अपना ब्लॉक करना है वो यहाँ से उसे ब्लॉक कर देंगे। ब्लॉक करने के बाद गाइस आपको बेक आना। बेक आने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिला था कॉलिंग अकाउंट, तो हम इस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है कॉलिंग अकाउंट। दूसरा ऑप्शन है सिम कार्ड मोबाइल नेटवर्क। अगर मोबाइल नेटवर्क करना चाहते हैं आप सही, तो आप यहाँ से कर सकते हैं कॉल फॉरबिड सेटिंग। जैसे कि आप किसी नंबर की कॉल फॉरबिड अपने नंबर पर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से वो भी कर सकते हैं। अगर आप अपने फ़ोन पर कॉल वेटिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कॉल वेटिंग भी कर सकते हैं। और इंटरमीडिएट कॉल सेटिंग इंपॉर्टिंग, तो आप यहाँ से वो भी कर सकते हैं। आउट आंसर कॉल, जैसे कि आपको इस पर क्लिक करना है, आप इसे ऑन कर देंगे तो आपकी खुद ब खुद कॉल ऑन हो जाएगी 2 मिनट में 5 मिनट में। तो गाइस इस यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिला था एडवांस सेटिंग, तो यहाँ से आप कॉल वेयरिंग कर भी सकते हैं, यहाँ से कॉल वेटिंग भी कर सकते हैं। तो गाइस इस तरीके से आप अपने फोन में अपनी कॉल वेटिंग भी कर सकते हैं। तो गाइस बेक आ रहे थे, बेक आने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिला था कॉल रिकॉर्डिंग, तो हम उस पर क्लिक कर रहे हैं। क्लिक करने के बाद आपको नंबर नोट इन योर कॉन्टैक्ट को जब आप ऑन कर देंगे तो गाइस आपके जो फ़ोन में कॉन्टैक्ट सेफ नहीं है वो आपके नंबरों की कॉल रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है ना। अगर आप चाहते हैं किसी पर्सनल नंबर की कॉल रिकॉर्डिंग करनी है तो आपको ऐड ए नंबर पर सेलेक्ट नंबर पर क्लिक करना और चूसे कॉन्टैक्ट पर क्लिक कर देना। और यहाँ पर आपको जिस नंबर की आपको कॉल रिकॉर्डिंग करनी है तो आप यहाँ से उस पर क्लिक करेंगे, जिसकी भी आपको करनी है, और उस तरीके से आप अपने फ़ोन में अपनी कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो वही बेक आए थे, बेक आने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है डिस्प्ले ऑपरेशन, तो हम उस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है शॉर्ट वे, तो उस पर क्लिक कर देना। और यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं फर्स्ट नेम एंड सुर नेम। जैसे कि गाइस आपके फ़ोन में जो कॉन्टेक्ट होते हैं तो आप फर्स्ट नेम से शुरू करना चाहते हैं या लास्ट नेम से, तो इस तरीके से आप यहाँ से सुर नेम से या फर्स्ट नेम से कर सकते हैं। तो ये बेक रहते हैं, बेक आने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है लाइब्रेरी प्लेस, तो उस पर क्लिक कर देंगे और इस ऑप्शन को आपको ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद बेक रहते हैं, बेक आने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है क्विक रिमोन्स, तो हम उस पर क्लिक कर देना। तो गाइस जैसे कि आपके पास किसी व्यक्ति की कॉल आ रही है, आप किसी काम वगैरह में बिजी हो, उसकी कॉल नहीं उठा पा रहे, जब आपको टाइम मिले तो आप अपने हिसाब से उसको यहाँ से SMS भेज सकते हैं। तो ये बेक करते हैं, बेक आने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है साउंड एंड वाइब्रेशन, तो हम उस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कई सारे साउंड मिल जाते हैं, जैसे कि आपको रिंगटोन, नोटिफिकेशन, अलार्म, बोलिए, रिंगटोन, जो भी आपको लगाना आप यहाँ से लगा सकते हैं। अगर आपको अपनी और कोई सेटिंग करनी तो आप यहाँ से कर सकते हैं आपने जो भी साउंड लगाना। तो गाइस बेक आने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है वॉइस मेल, तो हम उस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एडवांस सेटिंग पे क्लिक कर देना और यहाँ पर आपको वॉइस नंबर पे क्लिक कर देना। तो गाइस जैसे कि आपको अपने फ़ोन में अपने वॉइस किसी नंबर पर अपने वॉइस भेज भेजनी है, तो आपको जिस नंबर पर अपनी वॉइस भेजनी है उसका नंबर डाल देना है यहाँ पर और इसे ओके कर देना है यहाँ से। तो गाइस इस तरीके से आप अपने फ़ोन में अपनी वॉइस भेज सकते हैं। तो ये बेक आते हैं, बेक आने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है फ्लिप टू साइलेंट, तो हम उस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद गाइस जैसे कि आप फ्लिप टू साइलेंट होता है, जैसे कि आपका फ़ोन टेबल पर रखा, आपके रिंगटोन जो बजती है किसी का फ़ोन आता है, आप चाहते हैं वो खुद ब खुद ऑफ हो जाए उल्टा हो, तो आपको फ्लिप टू साइलेंट के ऑप्शन को ऑन करने से आप अपना फ़ोन यानी कि अपना फ़ोन आप उल्टा करेंगे तो आपकी जो रिंगटोन है वो साइलेंट हो जाएगी। तो गाइस इस तरीके से आप अपने फ़ोन में अपनी कॉल सेटिंग कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।